आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। मजदूरों की समस्या को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन शाखा कमेटी के बैनर तले संजू महतो के नेतृत्व में चासनाला सेल कोलियरी डिवीजन के महाप्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। यूनियन नेता संजू महतो ने कहा कि सेल मैनेजमेंट में बिना वजह विगत 40 दिनों से मजदूरों को काम से बैठा दिया है, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज बालू के अभाव के कारण प्लांट को बंद कर रखा गया है। प्लांट बंद होने के कारण 600-700 मजदूरों का चूल्हा बुझ गया है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। अगर जल्द ही महाप्रबंधक मजदूरों के बारे में नहीं सोचा तो हमारा यूनियन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। आज हम लोग एक पत्र के माध्यम से सेल मैनेजमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज डीप माइन और सेल प्लांट के मजदूर जो विगत 40-45 दिनों से भूखे प्यासे अपने काम से बैठा दिया गया है बिना जानकारी के। आज देखिए, आज बालू के अभाव के कारण इन दोनों को प्लांट की स्थितियों को बंद कर देकर डीप माइन को बंद कर रखा गया है, सेल प्लांट को बंद कर रखा गया है, जिसमें कम से कम 600-700 घर अब रोजी खाना पीना कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत आज उनका दयनीय परिस्थिति है मजदूरों की। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को रखा जाए और काम दिया जाए, क्योंकि और कुछ दिनों बाद बड़े बड़े दुर्गा पूजा और ये सब है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी होगा इन लोगों को पुनः रखा जाए, अन्यथा हम लोग 7 दिन बाद एक दूसरे धरना कर रहे हैं, और उसमें भी अगर नहीं माना गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। बच्चे संजू महतो, यूनाइटेड कोल वर्कर्स, शाखा सचिव।